ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में, और इसी के साथ ही नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। प्रदेश में रिटायर्ड और टायर्ड लोगों की सरकार, प्रदेश में खनन व नशा व तबादला माफी हावी, प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक में बोले सांसद अनुराग ठाकुर। डलौजी में इस साल ठंड ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, हिमपात और कड़ाके की ठंड से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हमीरपुर में JGT इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने करवाया डांस कॉम्पिटिशन, जिला के 100 से अधिक बच्चों ने लिया भाग। और गौर मुख्यालय परिसर के समीप महिला पर तेजधार हथियार से किया हमला, दिन दिहाड़े आरोपी द्वारा छुरी से किए गए बात से मंचा हड़कंप, गुहर बात काउंसिल ने जताई कड़ी निंदा। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में इस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीती रात पारा शून्य से इतना नीचे चला गया कि लोगों की पानी की पाइप ही जम गई। हिमपात और कड़ाके की ठंड से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में इस साल की ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीती रात पारा शून्य से इतना नीचे चला गया कि लोगों की पानी की पाइप ही जम गई। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जहाँ जहाँ भी पानी था वो जम गया है, चाहे घर के बाहर नलका हो या पानी की टंकी या छत से टपकता पानी। छतों से घरों से जहाँ जहाँ भी पानी टपक रहा था सब जम गया है, यहाँ तक कि पानी की टंकी में भी पानी जम गया है। बीती रात ठंड इतनी ज़्यादा थी कि डलहौजी में न्यूनतम तापमान रात 12:36 पर -1.9 डिग्री था, लिहाजा डलहौजी में पानी की समस्या पैदा हो गई है। पानी की पाइपें जमने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किलें समय पर ड्यूटी जाने वाले कर्मचारियों व महिलाओं को ही आ रही है। पानी की रात को टेम्परेचर इतना डाउन था कि सारी पानी की पाइपें जम गई हुई हैं, जिसके कारण पानी नहीं आ रहा है। अभी देखो मुश्किलें हो रही हैं, मुश्किलें हो रही है बहुत ज़्यादा। अब क्या किया जाए, किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा बस। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड की वजह से उनके पानी के नलके और पाइपें आदि जम गए हैं, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की 3 दिवसीय बैठक बद्दी में शुरू हो गई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सभी जिला व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में हिमाचल में फतह के लिए मंत्रणा करने में डट गया है। बैठक में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। 3 दिवसीय बैठक 10 से 12 तक दून में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के अलावा बैठक में प्रदेश भर के डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजीमो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं युवा सांसद अनुराग ठाकुर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि प्रदेश सरकार को रिटायर्ड और टायर्ड लोग चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार में खनन माफिया, बनन माफिया, नशा माफिया और तबादला माफिया हावी है। माफिया ने प्रदेश को दोनों हाथों से लूटकर देवभूमि का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। आप एक सर्वेक्षण करवाकर देखिए, जनता बेहाल है और सरकार के लोग मालामाल हैं। यहाँ पर माफिया राज है, जो वन, खनन, शराब, ड्रग्स, तबादला, इन सब में केवल लूट मची है और प्रदेश को खोखला करने में कांग्रेस की सरकार लगी है। मंत्री और मुख्यमंत्री में अनबन है। बेरोजगारी की नाम पर लोगों को ठगा, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई, लेकिन नौजवानों को कुछ नहीं, ना रोजगार, ना स्वरोजगार, ना बेरोजगारी। आखिर आज का नौजवान पूछता है
कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करता। तो क्या वीरभद्र सिंह कांग्रेस के घोषणा पत्र से ऊपर है, कांग्रेस पार्टी से ऊपर है? लोगों से किए गए झूठे वायदों को स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि ऐसे झूठे वायदे उनके रिश्तेदार पंजाब में भी करते हैं। भाजीमो के प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन में पहुंचे भाजीमो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर एक पर था, लेकिन कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट नेतृत्व ने प्रदेश व विकास को कोसों पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़े हिमाचल को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रदेश में कमल खिलाना होगा। केंद्र में सरकार हमारी है और अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि प्रदेश की सरकार टायर्ड और रिटायर्ड सरकार है। ये थकी सरकार है, रिटायर्ड अधिकारियों के बलबूते पे चलने वाली सरकार है, और मुख्यमंत्री का तो ये हाल है कि चार दिन से शिमला में ना बिजली है ना पानी है, लोग बेहाल है। शिमला में प्रदेश की राजधानी में चार दिनों से ना बिजली ना पानी, लोग बेहाल है मित्रों। और ये पहली बार ऐसा हाल नहीं है। जॉन्डिस की पीलिया की बात की जाए तो कोई देश का दूसरा ऐसी राजधानी नहीं होगी किसी राज्य की जहां पर वहां के लोग पानी के लिए बेहाल। हिमाचल प्रदेश में जहां कई नदियां बहती हैं, जहां पानी के इतने स्रोत हैं, अरे जहां पर बिजली परियोजनाएं लगती हैं, उस प्रदेश की राजधानी में पीने की पानी की सुविधा ना हो तो क्या हाल है? जहां के मुख्यमंत्री बर्फ पड़ने पर अपने घर ना पहुंच पाए वहां पर क्या हाल हो? जहां के चार दिनों तक कई गर्भवती महिलाओं से लेकर कई टूरिस्ट से लेकर दूसरे लोग उस बर्फ से बाहर ना निकल पाए, कई इलाके कटे रह जाए, उस प्रदेश का क्या हाल है? वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना लिया और कहा कि पहले एक महीने के लिए खुद शराब छोड़ दें, फिर पंजाब नशा मुक्त होगा। देखिए, क्योंकि झूठे वायदे करना, यही अमरिंदर सिंह जी 2003 में आरोप लगा कर गए और 2013 में हाथ जोड़कर माफिया मांग कर गए। झूठ बोलकर लोगों को गुमराह एक बार किया जा सकता है, बार बार नहीं। पंजाब क्या, हिमाचल प्रदेश में देखिए, बाकी राज्यों में देखिए, नशे के कारण नौजवान खत्म होता चला जा रहा है। इस पर हर सरकार को प्रहार करना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो जिनकी सुबह ही 12 बजे शुरू होती है और शाम को 5 बजे काम समाप्त हो जाता है, वो लोग क्या खत्म करेंगे ड्रग्स मार्केट। के चैनल के लिए सोलन से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। JGD इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा हमीरपुर के कमलताज होटल में डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर भोरंज के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामचंद पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सपना ठाकुर इसमें मुख्य जज के रूप उपस्थित रही। इस प्रतियोगिता में नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर में महाराष्ट्र और पंजाब से आए प्रतिभागियों ने भी इस सॉन्ग्स कंपटीशन में भी अपनी अपनी प्रतिभा के हुनर दिखाए और इस प्रतियोगिता में हिमाचली, पंजाबी, हिंदी व पहाड़ी प्रस्तुतियां दी गई। प्रतियोगिता में इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दिए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है। जो है प्रतियोगी है उनके सहयोग के लिए मैं अपनी तरफ से सहयोग करता हूँ। कहता हुआ आपका आपने हमें बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता। वहीं बतौर जज सपना ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में योग्य उम्मीदवारों को नाम के लिए चुना गया है। यहाँ कार्यक्रम था, वो डांस के ऊपर बेस था, जो कि JGD इवेंट कंपनी के दौरान जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें लगभग 40 से 50 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया था। बच्चों ने काफ़ी बच्चों में काफ़ी उत्साह था, उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्ण से इस कार्यक्रम को जो है वो अच्छे से निभाए। आपने जैसा जजेस किया कि 40 और 50 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके बीच में हमें 3 बच्चों को जो है वो विनर रखना पड़ा।
तो फर्स्ट जो है वो हिमानी रही है, सेकंड जो है वो शालू है, और थर्ड जो है वो छोटी सी बच्ची है हमारी वैष्णवी। मुख्य अतिथि रामचंद पठानी ने जीते प्रतिभागियों को इनाम दिए और 5100 रुपए की धनराशि भी कंपनी को अपनी तरफ से प्रदान की। यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और साथ में उनका आभार भी करता हूँ कि इस डांस प्रतियोगिता में उन लोगों ने भाग लिया और अपना बेहतर प्रदर्शन किया। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कंपनी के चेयरमैन अजय शर्मा जी और आए हुए जो जीते इस कंपटीशन में, जो जीते हुए प्रतिभागी हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। सहयोगी है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलान शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त तो चला के एक्सप्रेस का, हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। प्रदेश में रिटायर्ड और टायर्ड लोगों की सरकार। प्रदेश में खनन व नशा व तबादला माफी हावी। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक में बोले सांसद अनुराग ठाकुर। डलौजी में इस साल ठंड ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। हिमपात और कड़ाके की ठंड से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हमीरपुर में JGT इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने करवाया डांस कॉम्पिटिशन। जिला के 100 से अधिक बच्चों ने लिया भाग। और गौर मुख्यालय परिसर के समीप महिला पर तेजधार हथियार से किया हमला। दिन दिहाड़े आरोपी द्वारा छुरी से किए गए बार से मचा हड़कंप। गुहर बार काउंसिल ने जताई कड़ी निंदा। 3 दिवसीय बैठक 10 से 12 तक दून में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती के अलावा बैठक में प्रदेश भर के डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजीमो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं युवा सांसद अनुराग ठाकुर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि प्रदेश सरकार को रिटायर्ड और टायर्ड लोग चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार में खनन माफिया, बनन माफिया, नशा माफिया और तबादला माफिया हावी है। माफिया ने प्रदेश को दोनों हाथों से लूटकर देवभूमि का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। भाजीमो के प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन में पहुंचे भाजीमो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में नंबर एक पर था, लेकिन कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट नेतृत्व ने प्रदेश व विकास को कोसों पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़े हिमाचल को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रदेश में कमल खिलाना होगा। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना लिया और कहा कि पहले 1 महीने के लिए खुद शराब छोड़ दें। जिला के ऊपरी क्षेत्रों में 5 दिनों से बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। इसे जहां कुछ पेयजल स्रोत भूस्खलन होने से मलबे तले दब गए हैं, वहीं कई स्रोतों में मिट्टी आदि भर जाने से पानी के स्रोत दूषित हो गए हैं। इन स्रोतों से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई हो रही है।
दूषित पेयजल स्रोतों से पानी की सप्लाई होने से लोगों में डायरिया, उल्टी, दस्त आदि जलजनित रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसे कुछ मरीज अस्पताल में भी पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला के समस्त स्वास्थ्य खंडों को ऐसी स्थिति में निपटने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही विभाग के अधिकारियों को लोगों को भी जागरूक करने को कहा गया है ताकि बीमारी फैलने से पहले ही इसकी रोकथाम की जा सके। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉक्टर देशराज शर्मा ने बताया कि बर्फबारी व बारिश से पेयजल स्रोत दूषित हो गए हैं। इनमें मिट्टी व गार आदि भर गई है। उन्होंने बताया कि दूषित पानी पीने से जल जनित रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि लोग पानी उबाल कर पिएं और कम से कम 15 मिनट तक पानी को उबालें, पानी को कपड़े से छानकर उसका सेवन करें, बर्फ का पानी पीने से परहेज करें। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में इस साल की ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीती रात पारा शून्य से इतना नीचे चला गया कि लोगों की पानी की पाइप ही जम गई। ठंड इतनी ज्यादा है कि जहां जहां भी पानी था वो जम गया है, चाहे घर के बाहर नलका हो या पानी की टंकी या छत से टपकता पानी। छतों से घरों से जहां जहां भी पानी टपक रहा था सब जम गया है। यहां तक कि पानी की टंकी में भी पानी जम गया है। बीती रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि डलहौजी में न्यूनतम तापमान रात 12:36 पर -1.9 डिग्री था। लिहाजा डलहौजी में पानी की समस्या पैदा हो गई है। पानी की पाइपें जमने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल समय पर ड्यूटी जाने वाले कर्मचारियों व महिलाओं को ही आ रही है। लोगों का कहना है कि ठंड की वजह से उनके पानी के नलके और पाइप आदि जम गए हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटी काशी मंडी में वाराणसी की तर्ज पर पिछले कुछ महीनों से ब्यास आरती का आयोजन किया जा रहा है। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी संत सुंदरम ने बताया कि पिछले कुछ समय से हर पूर्णमासी पर ब्यास नदी के किनारे ब्यास आरती का आयोजन किया जा रहा है और इस आरती का पौराणिक दृष्टि से बहुत मतलब है। उन्होंने बताया कि पूर्णमासी के मौके पर इस वीरवार को भी ब्यास आरती का आयोजन किया जाएगा और इस मौके पर एकादश रुद्र मंदिर में शाम के समय सत्यनारायण कथा का भी आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर में महाराष्ट्र और पंजाब से आए प्रतिभागियों ने भी इस सॉन्ग्स कंपटीशन में भी अपनी अपनी प्रतिभा के हुनर दिखाए और इस प्रतियोगिता में हिमाचली, पंजाबी, हिंदी व पहाड़ी प्रस्तुतियां दी गई। प्रतियोगिता में इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दिए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है। कहते हैं रक्तदान ऐसा दान है जो किसी को मौत के मुंह से भी वापिस ले आता है, क्योंकि अगर इंसान में खून की कमी हो जाए तो उसे बीमारी पैदा हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी संदोल के कार्यकर्ताओं द्वारा संदोल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।